सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रभर जर बघितलं तर मराठवाड्यामध्ये जे आहे सर्वाधिक मोसंबी क्षेत्र लागवड झालेले आहे, त्यामुळे जर बघितलं तर महाराष्ट्रामध्ये आता मोसंबी जी आहे दिल्ली असेल इतर भागामध्ये पाठवली जाती। मात्र सध्या मोसंबीचे दर जे आहे ते अति कोसळले आहे, त्यामागचं कारण काय असू शकतं या संदर्भात माझ्यासोबत बोलण्यासाठी दिल्ली येथील काही प्रसिद्ध व्यापारी आहे। क्या बता सकते अभी जी मोसंबी आ रही है उसका जो दर है वो बहुत कम है, इसके बाद क्या हो सकते? अपने हिसाब से मौसम भी ठीक बिक रही है क्योंकि दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा है। आज 3.6 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली का, आज दिल्ली का सबसे ठंडा दिन है सर्दी का। सर्दी की वजह से मौसमी नहीं बिक रही, पहला रीज़न तो यही है। और दूसरा यह है कि किन्नू एक लोकल फ्रूट है जो पंजाब से आता है, राजस्थान से अबोर से आता है, तो किन्नू बहुत सस्ता है और मीठा भी है। अभी जूस भी इतना कम है मौसमी के अंदर, आपकी टाइट है मौसमी, अभी बारिश पड़ी है कल परसों, तो एक दो दिन में हो सकता है वो ठीक हो जाए बारिश और पड़ने की वजह से। तो मौसमी का काम अब सबका अच्छा चलेगा और मकर संक्रांति के बाद सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा, मौसमी का साइज़ भी बन जाएगा और जूस भी उसके अंदर आ जाएगा। तो महाराष्ट्र के जितने काश्तकार हैं, जितने व्यापारी भाई हैं, निश्चिंत रहें, दिल्ली का सीज़न बहुत बढ़िया रहने वाला है। आने वाले 2-3 महीने में खूब मौसमी बिकेगी, थोड़ी गर्मी पड़ने दो और अच्छी मौसमी बिकेगी, जब जूस मौसमी जूस भी पकड़ लेगी और डिमांड भी आ जाएगी, क्योंकि किन्नू लगभग अब खत्म होने वाला है, 10-15 दिन का खेल, 15 दिन का और बचा है बस। महाराष्ट्र के किसान दिल्ली में जो मौसमी बेचते हैं उनको दर कम आ रहा है, अब जो महाराष्ट्र के किसान मौसमी भेज रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए उसके लिए? अभी उनको एक हफ्ता वेट करना चाहिए, अभी बारिश हुई है, अभी तोड़ रोकनी चाहिए, अगले हफ्ते 15 तारीख के बाद खोल के माल बिकेगा, संक्रांत निकल जाएगी, संक्रांत के बाद खोल के 15 तारीख से जितना माल भेजना भेजे, उनको दर भी अच्छी मिलेगी और पैसे भी अच्छे बनेंगे उनके। नक्कीच, जर बघितलं शेतकऱ्यांनी जे आहे ते आता 15 दिवसानंतर आपली मोसंबीची तोडणी करून दिल्लीला पाठवा असं आवाहन जे आहे ते आता दिल्ली येथील व्यापाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे। छत्रपती संभाजीनगरहून विजय छिडे, जय महाराष्ट्र।